LibreOffice Draw में Import and Export Images पर Spoken Tutorial में खुशामदीद। इस Tutorial में आप एक Draw पेज में तस्वीर Import यानी दरामद करने और मुख्तलिफ फाइल Formats की शकल में एक Draw फाइल को सेव करना सीखेंगे। हम Draw में दोनों Vector और Bitmap या Raster Images Import और Export कर सकते हैं। यहां हम इस्तेमाल कर रहे हैं Ubuntu Linux वर्जन 10.04 और LibreOffice Suite वर्जन 3.3.4। रूट मैप फाइल खोलते हैं। इस ट्यूटोरियल के मकसद के लिए वाटर साइकिल ड्राइंग की एक JPEG फाइल पहले से ही बनाई गई है और डेस्कटॉप पर सेव की गई है। हम ड्रॉ फाइल में इस इमेज को इंपोर्ट यानी दरामद करते हैं। इस इमेज को बंद कर दें। सबसे पहले आप उस पेज को मुंतखब करें जिसमें आप इस तस्वीर को इंपोर्ट करना चाहते हैं। एक नया पेज दाखिल करें और इसे मुंतखब करें। वेक्टर या बिटमैप इमेजेस दरामद करने के लिए इंसर्ट टैब पर क्लिक करें और पिक्चर को मुंतखब करें। फिर फ्रॉम फाइल पर क्लिक करें। इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स जाहिर होता है। अब हम watercycle.jpg मुंतखब करते हैं। अगर हम ओपन पर क्लिक करते हैं तो तस्वीर यानी इमेज हमारी ड्रॉ फाइल में हकीकी तौर पर एम्बेड यानी दाखिल हो जाएगी। अगर हम यहां लिंक बॉक्स को चेक करें तो तस्वीर पाथ के जरिए मुंसलिक हो जाएगी। ओपन पर क्लिक करें। एक मैसेज जाहिर होती है जो कहती है कि इमेज लिंक के तौर पर स्टोर होगी। कीप लिंक पर क्लिक करें। इमेज ड्रॉ फाइल में एक लिंक के तौर पर दाखिल की जाएगी। लिंक्स को आसानी से खत्म भी किया जा सकता है। मेन मेन्यू में जाएं, एडिट मुंतखब करें और फिर लिंक पर क्लिक करें। एडिट लिंक्स डायलॉग बॉक्स जाहिर होता है। यह डायलॉग बॉक्स ड्रॉ फाइल की तमाम लिंक्स की फहरिस्त देता है। तस्वीर के लिए वाटर साइकिल लिंक पर क्लिक करें। ब्रेक लिंक पर क्लिक करें। ड्रॉ एक तस्दीकी मैसेज जाहिर करेगा। यस पर क्लिक करें। लिंक हट चुका है। अब क्लोज बटन पर क्लिक करें। लेकिन आप देखेंगे कि तस्वीर अब भी फाइल में मौजूद है। जब आप एक लिंक को तोड़ते हैं, तस्वीर खुदकार तरीके से ड्रॉ फाइल में एम्बेड हो जाती है। अब तस्वीर को डिलीट यानी हज़फ करते हैं। तस्वीर मुंतखब करें और डिलीट बटन दबाएं। यहां आपके लिए एक मशक है। दो ड्रॉ फाइल्स बनाएं। एक फाइल में एक तस्वीर दाखिल करें और इसे सेव करें। दूसरी फाइल में एक तस्वीर एम्बेड करें और इसे सेव करें। दोनों फाइल्स के साइज का मवाजना करें। जिस फाइल में आपने तस्वीर लिंक की है, उसमें तस्वीर का साइज तब्दील करें। जांचें कि क्या तब्दीली असल फाइल में भी झलकती है। अब वाटर साइकिल डायग्राम को इस फाइल में ड्रॉ इमेज के तौर पर इंपोर्ट करते हैं। मेन मेन्यू में से इंसर्ट पर क्लिक करें और फाइल मुंतखब करें। इंसर्ट फाइल डायलॉग बॉक्स खुलता है। फहरिस्त से ड्रॉ फाइल watercycle.odg मुंतखब करें। ओपन पर क्लिक करें। इंसर्ट स्लाइड्स ओब्लिक ऑब्जेक्ट्स डायलॉग बॉक्स जाहिर होता है। अब फाइल पाथ के साथ वाली प्लस अलामत पर क्लिक करें। आप स्लाइडों की एक फहरिस्त देखेंगे। हम वाटर साइकिल डायग्राम वाली पहली स्लाइड को मुंतखब करते हैं। आप पेज दाखिल कर सकते हैं या ऑब्जेक्ट को लिंक के तौर पर दाखिल कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए सिर्फ लिंक चेकबॉक्स पर क्लिक करें। ओके पर क्लिक करें। एक तस्दीकी डायलॉग बॉक्स जाहिर होता है जो पूछता है कि क्या ऑब्जेक्ट्स को नए फॉर्मेट में फिट होना चाहिए। यस पर क्लिक करें। स्लाइड फाइल के एक नए पेज में दाखिल हो जाती है। अब हम ड्रॉ से तस्वीर को एक्सपोर्ट यानी बरामद करना सीखेंगे। ड्रॉ में एक्सपोर्ट यानी बरामद करने का मतलब ड्रॉ फाइल या ड्रॉ फाइल के पेज या ड्रॉ में ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे फॉर्मेट में तब्दील करने को कहते हैं। मसलन ड्रॉ फाइल को PDF, HTML, JPEG या बिटमैप फाइल में बदल सकते हैं। PDF, Flash और HTML फाइल फॉर्मेट्स हमेशा मुकम्मल ड्रॉ फाइल एक्सपोर्ट करते हैं। रूट मैप फाइल को मिनिमाइज करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि हमने ड्रॉ की वाटर साइकिल डायग्राम को JPEG फॉर्मेट में तब्दील कैसे किया? मैं समझाता हूँ।
वाटर साइकिल फाइल खोलें, फिर पेजेस पैनल से वाटर साइकिल डायग्राम वाले पेज को मुंतखब करें। मेन मेन्यू से फाइल पर क्लिक करें और एक्सपोर्ट मुंतखब करें। एक्सपोर्ट डायलॉग बॉक्स जाहिर होता है। फाइल नेम फील्ड में वाटर साइकिल डायग्राम नाम दर्ज करें। प्लेसेस पैनल से ब्राउज करें और डेस्कटॉप मुंतखब करें। फाइल टाइप फील्ड में हम जेपेग ऑप्शन मुंतखब करेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो ड्रॉ फाइल को किसी भी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। सिलेक्शन के चेक बॉक्स को चेक करें, सेव पर क्लिक करें। जेपेग ऑप्शन डायलॉग बॉक्स जाहिर होता है। इस डायलॉग बॉक्स में मुंतखब डिफॉल्ट ऑप्शंस को वैसे ही रहने दें। ओके पर क्लिक करें। वाटर साइकिल डायग्राम वाला ड्रॉ पेज जेपेग के तौर पर सेव होता है। यहां ड्रॉ फाइल का सिर्फ एक पेज जेपेग में तब्दील होता है। अगर आप पीडीएफ, फ्लैश या एचटीएमएल फॉर्मेट्स में सेव करते हैं, तो ड्रॉ फाइल के सारे पेज एक्सपोर्ट हो जाते हैं। हम रास्टर इमेजेस को भी एडिट यानी तरमीम कर सकते हैं। रास्टर इमेजेस को फॉर्मेट मेन्यू के जरिए फॉर्मेट किया जा सकता है। आप भी इन तस्वीर में तरमीम करने के लिए पिक्चर टूल बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल के इख्तिताम पर आ गए हैं। इस ट्यूटोरियल में आपने इमेजेस यानी तस्वीर को इंपोर्ट यानी दरामद और एक्सपोर्ट यानी बरामद करना और ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स को मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में सेव करना सीखा। यहाँ आपके लिए एक मशक है। आप इन्फिरादी ऑब्जेक्ट्स या मुंतखब शुदा ऑब्जेक्ट्स के एक ग्रुप को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वाटर साइकिल ड्रॉ फाइल से सिर्फ बादलों और पहाड़ों को जेपेग फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करें। दर्ज ज़ेल लिंक पर दस्तियाब वीडियो देखें। ये स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। अगर आपके पास अच्छी बैंडविड्थ न हो तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप्स भी चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद भी देते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक ए टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये MHRD हुकूमत हिंद के ICT के जरिए कौमी खानदगी मिशन की तरफ से हिमायत शुदा है। इस मिशन पर मजीद मालूमात spoken-tutorial.org/nmeict-intro पर दस्तियाब हैं। इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया।